हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, जिसके अंदर भारी भरकम रिटर्न की जो उम्मीद जताई जा रही है, और वहाँ डेफिनेटली अब इसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय भी आती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस हिसाब से ये शेयर अपने जो यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, पिछले एक महीने के अंदर जो इसकी ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस हिसाब से ये शेयर अपने काफ़ी अच्छे हाई से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जो आप यहाँ पर देखेंगे 2798 लगभग 2800 से ये लगभग काफ़ी नीचे गिरता हुआ 2555 रुपये पर क्लोजिंग होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो एक ईयर टिल डेट के अंदर, यानी कि इस 6 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर, इसने सिर्फ और सिर्फ 6% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाएं। लेकिन जो यहाँ पर इसके अंदर टॉप बॉटम और लो बॉटम नज़र आता हुआ दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इस शेयर के अंदर जो आपको सबसे बड़ी चीज़ नज़र आ रही है कि ये बार बार अपने जो लेवल है ना, उसको टच करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर जो मजबूती है ना, रॉकेट की तरह। और सबसे बड़ी जो छुपा रुस्तम खबर ये है कि रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, और उस ऑयल के बाद जब क्वार्टरली रिजल्ट आते हुए नज़र आएंगे, पूरी दुनिया के अंदर ऑयल, क्रूड ऑयल बहुत महंगा है, लेकिन कुछ बहुत बड़ी चीज़ों के साथ साथ जो रशिया के साथ अपना गठजोड़ है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नज़र बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि कंपनियों को आगे आने वाले टाइम में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा। और यही रीज़न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उन शेयरों के अंदर आता है जहां पर उसका मेन बिजनेस रिफाइनरी का है, और वहीं आपको ऐसे शेयरों के अंदर बहुत तगड़े रिटर्न दिखाई देंगे। जेपी मॉर्गन की एक नई रिसर्च आई है, जिसके अंदर उन्होंने इसके टारगेट को काफ़ी ऊँचा करके दिखाया है, और इस समय जो शेयर का प्राइस है वो 2555 रुपये, एकदम 555 रुपये की साबुन की टिकिया की तरह आप इसको समझ लीजिएगा। और आगे आने वाले टाइम में जब ये दौड़ेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस हिसाब से आपको रिटर्न देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर लो की मैं बात करूँ तो आपको यहाँ समझ आएगा कि किस हिसाब से इस शेयर के जो प्राइस है, अभी अभी 12 मई को 2400 रुपये का था, और वहाँ से ये मजबूत होता हुआ एकदम से 12 मई के बाद ये भागता हुआ आज की डेट में अगर आप देखें तो 2798 रुपये का एकदम से इसने लो बनाया, हाई बनाया, और वहाँ से फिर से ये शेयर के अंदर फिर से गिरावट है। यानी कि अगर आप इसके अंदर एक अच्छे खासे प्राइस के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी को तलाश रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उन शेयरों के अंदर है जहाँ पर आपको एक बढ़िया प्राइस के अंदर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जेपी मॉर्गन ने रेटिंग को अपग्रेड किया है, यानी कि अपनी रेटिंग को दोबारा से बढ़ा दिया है। अभी जो इसका टारगेट आता हुआ नज़र आ रहा है 3170 रुपये तक, जेपी मॉर्गन जी की पूरी रिसर्च के बाद ये शेयर 3170 रुपये तक जा सकता है। और यहाँ पर इस समय जो आप देख रहे हैं 2555 रुपये के प्राइस पर ये दौड़ता हुआ शेयर, किस हिसाब के आपको आने वाले टाइम में लगभग 600 रुपये अधिक महंगा मिलता हुआ नज़र आएगा। यानी कि इस शेयर के अंदर दम है, और दम की बात जो मैं बताऊँ ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उन शेयरों और उन कंपनियों के अंदर आता है जहाँ पर अगर ये सस्ते प्राइस पर मिल जाए तो डेफिनेटली कभी इसके अंदर मौका आप चूकिएगा नहीं। जिस हिसाब से आपको कोविड के टाइम में ये शेयर लगभग 700 और 650 की रेंज में था, और फिर से इसने किस हिसाब से मजबूत तेज़ी दिखाई और एकदम से ऊपर भागता हुआ शेयर इसने 2900 रुपये का जो हाई बनाया, और वहाँ से दोबारा से टूटता हुआ इस समय 2300 से दोबारा से चलता हुआ इस समय 2555 रुपये की तेज़ी के साथ भागता हुआ नज़र आ रहा है। और अब फिर से इसके ऊपर जेपी मॉर्गन ने जो अपने टारगेट नज़र कराए हैं, जिसके अंदर अगर मैं बताने की कोशिश करूँ, और आपने अभी अभी सुना कि इसके जो टारगेट हैं वो बहुत तगड़े हैं, यानी कि 3170 रुपये के टारगेट, और इस समय जो प्राइस आपको नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपको ये दिखाई देगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो कोर बिजनेस है, उस कोर बिजनेस को लेकर आप देखेंगे तो इसके बाकी सारे बिजनेस के अंदर भी बहुत तगड़ी ग्रोथ नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और आगे आने वाले टाइम में डीजल, बैरल, क्रूड और ग्रीन एनर्जी के अंदर ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा।